को मिल गया निवेदिता? यस सर, स्टार्ट कर दिया। थैंक यू पूछा। चलिए अब सर्कल्स का अपन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। एक बार क्विक रिवीजन अपन देख रहे थे अपन लोगों ने कितना किया था पहले उसमें, ठीक है? आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था तो वो चीज को भी चेक कर लेना है। मीटिंग जैसे ही एंड होगी रीजॉइन फट से कर लेना प्लीज सब लोग। देखो अपन लोगों ने पहले जनरल फॉर्मेट देखा था, वो क्या था हमारा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे h कॉमा k क्या था हमारे लिए, सेंटर था, r हमारा रेडियस था। वही अगर ओरिजिन अगर होता है, यहां से नहीं समझेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है? ये सेंटर यहाँ पे ओरिजिन मेरा हो रहा था, करेक्ट। इसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था डायमीटर फॉर्मेट, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। जहां पे मेरा डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू। ये चीज हम लोगों ने किया था। आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया गया था। बेटा होमवर्क क्या क्या क्वेश्चंस थे? क्वेश्चन वन, एनी वन, टू, थ्री, फोर। जल्दी जल्दी निकालो बेटा प्लीज अपना होमवर्क। क्वेश्चन वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। बेटा तुमको सिक्स है समझ में आ गया, मुझे बताओ यार, जो तुम लोग बिल्कुल हाँ कुछ बोल नहीं रहा, होमवर्क अटेंड किया नहीं तुम लोगों ने? सिक्स एक बार रुक जाओ बेटा, सिक्स वाला अपना होने का था, मैंने गलती से दे दिया था। सेवेंथ वाला भी एक बार रुक जाओ आप लोग, ठीक है? एट वाला भी रुक जाओ आप लोग एक बार के लिए, दिए नहीं थे ना? कहाँ तो देते, वन टू सिक्स दिया था उसमें, सिक्स वाला रुक जाओ बेटा एक बार के लिए। और फिर उसके बाद में क्या दिया था, टेंथ क्वेश्चन ही वन, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ कौन सा वाला बेटा, दोनों। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस फाइव हुज सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू। ये देख, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस अगर है मेरा, ठीक है, तो मेरा सेंटर का कोऑर्डिनेट कुछ हो गया होगा जीरो कॉमा के। रेडियस को दिया गया क्या मुझे? हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर, हाँ रेडियस ट्वेल्व, रेडियस इज फाइव ना, ठीक है, एक सेकंड। रेडियस इज फाइव यूनिट, ठीक है। पहले तो मैं इससे इक्वेशन बना रहा हूँ क्वेश्चन मेरी, तो जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है यहां तक है? अब ये देख, वो इट पासेस थ्रू व्हाट पॉइंट, थ्री कॉमा टू से पास हो रहा था, करेक्ट। तो हर एक्स की जगह पे थ्री और वाई की जगह पे मैं टू डाल सकता हूं, मैं क्या बन जाएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस टू माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करने के तेरे को बता रहा हूं मैं, बिना ये खोले भी इस इक्वल टू, ये कितना बन रहा है बेटा अपना, 16 बन रहा है। तो 2 माइनस के की वैल्यू या तो 4 हो जाएगी या फिर माइनस 4 हो जाएगी, तो इम्प्लाइज के की वैल्यू या तो माइनस 2 हो जाएगी या फिर के की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर ये नहीं समझा क्या किया इक्वेशन है, ठीक है, तो कुछ नहीं, इसके आगे मैं ओपन कर रहा हूँ इक्वेशन को अभी के लिए। तो ये देख लो, 9 प्लस 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब के स्क्वायर माइनस फोर के माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो के माइनस सिक्स इंटू के प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो के की वैल्यू या तो सिक्स या तो माइनस टू, ठीक है। देख देखो एक बार, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, मतलब इसका वैल्यू या तो फोर या माइनस फोर, उससे क्विक कराता है। हाँ, एच कॉमा जीरो, तो वो एक्स एक्सिस पे लाया हुआ है वो, ठीक है। तो दैट वाज गोइंग टू बी योर 10th, कौन सा इसका, 12th का फर्स्ट सब पार्ट, 12th का सेकंड सब पार्ट भी देखना था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, 2
टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस नहीं, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस ये डायमीटर नहीं दिया हुआ है, एक पॉइंट मेरा 4.0 दिया हुआ है, एक पॉइंट मेरा -4.0 दिया हुआ है, ये डायमीटर ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, द सर्कल कुड हैव बीन दिस वे आल्सो। ठीक है क्रिश, अब आगे क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। एंड हूज ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन एंड हूज रेडियस 5 यूनिट्स, तो ये तो पक्का डायमीटर नहीं है, डायमीटर तो रेडियस तुम्हारा 4 यूनिट्स रहता है, ठीक है, नहीं 4 होता ना बेटा, ये डायमीटर है तो डायमीटर का लेंथ 8 यूनिट्स हो रहा है, तो रेडियस तेरा 4 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब तुम्हारा रेडियस तुमको 5 यूनिट्स दिया गया है, तुमने अपनी सर्कल की इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनाई है, ठीक है। अब ये देखो पहले ये वाला वैल्यू डाल के रखा मैंने, तुम्हारा k की वैल्यू 0 हो रही है से पक्का से वैसे, पर छोड़ जान दो। हाँ अब ये देखो तुमने x जगह पे पहले 4 कॉमा x जगह पे 4 y की जगह पे 0 डाला तुम लोगों ने, तो 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो रहा है बेटा ये तेरा, तो 16 माइनस 8h प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। अब देख इससे क्या बन रहा है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हुई है। दूसरी इक्वेशन देखो बेटा, तुम लोगों ने x जगह पे माइनस 4 डाला, तो माइनस 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 हुआ है, ठीक है बेटा। माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। माइनस एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को जब हम खोलते तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाता है वो। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 25 हो रहा था, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सॉरी प्लस 8h माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन वन इक्वेशन टू जो है दोनों को सबट्रैक्ट अगर करूंगा मैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है मेरा, यार रुक जाओ यहां से ना मैं निकाल दिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 8h, यहां से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू माइनस 8h, ये दोनों के दोनों इक्वल अगर है मेरे तो इम्प्लाइज मेरा 8h इज इक्वल टू माइनस 8h हो रहा है, तो h की वैल्यू 0 आ रही है इससे। माइनस 8h इज इक्वल टू 8h मतलब 16h इज इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू 0, ठीक है। मैंने आपको पहले तो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा मुझे कैसे फट से दिख गया था y एक्सिस पर लाई कर रहा है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो एक्चुअली हमने कल ही 9th स्टैंडर्ड के इसमें सर्कल्स में देखी थी, बट देखो पहले h की वैल्यू 0 हो गई है, जैसे h की वैल्यू 0 हो गई है यहाँ पे डालूंगा मैं तो k स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू या तो 3 रहेगी या तो माइनस 3 रहेगी, कोई इशू इसमें किसी को? तो आपको h पता है k पता है, दो अलग अलग ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हो। क्रिश समझाया क्या हुआ है पक्का से? अब देखो मैंने कहते देख के ही बता दिया था इसके अंदर कि पक्का से ये वाई एक्सिस पर लाई करने वाला है, तो मैं बताता हूँ बेटा सर्कल का जो सेंटर रहता है ना, आप सर्कल में कोई भी दो पॉइंट्स लो, कोई भी दो पॉइंट्स, एक ये लिया एक ये ले लिया या फिर एक ये ले लिया, कोई भी दो पॉइंट्स आपने ले लिया, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा सेंटर हमेशा उसी के ऊपर से लाई करना होता है। देखो वैसे भी हम लोगों को अगर तीन पॉइंट दे सर्कल के, हमको खेलते बोले सेंटर ढूंढो, तो हम लोग दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो ये लाइन यानी ये कॉर्ड और ये कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे लाई करेगा वहीं पे सेंटर रहेगा। तो मैंने एक्चुअल में ना बैक एंड पे ये चीज देखा कि ये दोनों दोनों एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं पॉइंट्स, तो जो भी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस ही है, तो वो सेंटर ये हो ये हो ये हो ये हो कुछ कुछ भी हो, बट वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा था, तो इसीलिए मुझे पता था कि मेरा सेंटर इज गोइंग टू बी 0, समथिंग, तुमको एच के वैल्यू 0 पता थी, तो अगर मुझे इतनी सारी मेहनत नहीं करनी है जो मैंने पहले की और एच को 0 बताया, माइनस 4.0, तो मैं इतनी थ्योरी भी लिख दूं कि सिंस द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल्स आर ये माइनस 4.0 एंड 4.0,
the center of the circle will lie on the perpendicular bisector joining AB, which will be on y axis. Hence, the center is going to be 0, k. ये भी लिखता मैं अगर तो भी चलता था मुझे. और फिर 0, k मुझे पता ही है, तो कोई पॉइंट है मेरा मान ले यहाँ पे ऊपर है नीचे मुझे नहीं पता है, नेगेटिव एक्सिस पे है या पॉजिटिव एक्सिस पे है. एक बार 0, k है, मेरे को रेडियस पता है कितना है, 5 यूनिट दिया हुआ था. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा था 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - k का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 5, तो उसका स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाता था मेरा. तो k स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25, k स्क्वायर इक्वल टू 9, k इक्वल टू 3 या फिर -3. तो मैं सर्कल का सेंटर 0, 3 या फिर 0, -3 हो गया था. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब देखो, आई डोंट रियली थिंक तुम लोगों को ये क्वेश्चन कैट में आता होगा, आई हार्डली डाउट. बट ये SATs सुना है तुम लोगों ने, ये इंडिया से बाहर पढ़ने जाने के SAT जिसको बोलते हैं, उसमें आते हैं ऐसे ये चैप्टर्स होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा. अब तुम लोग अगर वो पूरे मेथड से करोगे जो पिछला मैं तुमको बता रहा था, तुम समय पर बात करो. इसलिए प्रॉपर्टीज और सर्कल्स पता होना जरूरी होता है. ठीक है, एक बार के ना जो 9th की जो प्रॉपर्टीज थी एक बार जस्ट ऐसे मैं बता देता हूँ. मेजर तुम लोगों को पता होगी भी, बट स्टिल आई डोंट थिंक पहली प्रॉपर्टीज काम में आ रही है. बट स्टिल अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर पे वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे. मतलब ये और ये अगर इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर. नेक्स्ट होता है अगर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर के ऊपर. देखो मेरे को ये दिया हुआ था दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, इसका कॉन्जुगेट जैसा हो गया. नेक्स्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. मतलब अगर एक कॉर्ड है सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसके ऊपर तो वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है. और उल्टा यही है अगर कॉर्ड के, जो भी अपन प्रॉपर्टी यूज किया था, कॉर्ड के सेंटर से मैं अगर परपेंडिकुलर बनाऊंगा, कॉर्ड के सेंटर को और ओरिजिन, ये कॉर्ड के मिड पॉइंट को और सर्कल के सेंटर को मैं ज्वाइन करूंगा तो परपेंडिकुलर भी रहेगा वो. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा लोग, इक्वल कॉर्ड दर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. मतलब अगर दो कॉर्ड्स है उनका लेंथ इक्वल है तो सेंटर से जो डिस्टेंस रहने वाला है ये वाला, वो भी इक्वल रहने वाला है. और इसी का कॉन्जुगेट क्या है, अगर दो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, मतलब ये और ये इक्वल अगर है तो कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी. इसके सिवाय एक अकेले पॉइंट पे से इनफाइनाइट सर्कल्स आप बना सकते हो, दो दुकेले पॉइंट्स पे से भी आप इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो, बट तीन नॉन कोलिनियर, देखो कोलिनियर मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन में, अगर सर्कल नहीं स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बट अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक सर्कल बनेगा. अब ये चीज भी समझ लो, यूनिक सर्कल जो बनेगा ये तीन पॉइंट जो दिए हुए है उसका सेंटर कैसे ढूंढ सकते हो आप लोग, कुछ नहीं. इसको ज्वाइन कर दिया मैंने और मे बी इसको भी ज्वाइन कर दिया, ऐसा मैंने कोई दो कॉर्ड से बना लिया मैंने, दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया मैंने, जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा. जैसे सेंटर हो गया फिर आप ये लेंथ गिनो या ये लेंथ गिनो, कोई भी लेंथ गिनो, उस सर्कल का रेडियस हो जाएगा. ठीक है, इसके सिवाय और भी प्रॉपर्टीज है, आई एम अ लिटिल डाउटफुल तुमको है या नहीं है, बट एक और प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ मैं. बेटा अगर सर्कल के ऊपर चारों के चारों पॉइंट्स लाए करते हैं और हम क्वाड्रिलैटरल बनाए तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल या कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. अब इसे कॉन्वर्स में आपको क्या समझाओ, समझ लो एक पॉइंट पे से इनफाइनाइट सर्कल, दो पॉइंट पे से इनफाइनाइट सर्कल, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे से एक यूनिक सर्कल, चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे बिल्कुल जरूरी है कि सर्कल बने गई, हो सकता है बने या ना बने. सर हमें कैसे पता चलेगा बन रहा है नहीं बन रहा है, तो चारों पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उससे क्वाड्रिलैटरल बनाना, अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर आ गया तो पक्का से उस पर सर्कल बनने ही वाला है. यहां तक ठीक है, कोई भी इशू. एक हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी सुन लो बेटा, अगर सेमी सर्कल अगर है तो सर्कल के ऊपर हमेशा वो 90 डिग्री सबटेंड करने वाला है. ये 90 डिग्री हो जाएगा मेरा, ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री होने वाला है. ऊपर ही नहीं, मैं नीचे भी अगर करूंगा कुछ, मतलब ये एंगल भी मेरा
90 डिग्री ही होने वाला, ठीक है, हाफ द एंगल, एंगल से मैं आकर सेंटर पता नहीं, बट वो ही प्रॉपर्टी का मैं स्पेशल केस वाला यूज कर रहा हूँ, वाली प्रॉपर्टी क्या आती है, एंगल सब्टेंड बाय एन आर्क एट सेंटर डबल एंगल सब्टेंड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ठीक है। बट अब सुनो, अब एक चीज सुनो, जो मैं एक्चुअल में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा था, जो तुम लोगों को यहाँ पे यूज में आएगी पक्के से कहीं ना कहीं। अगर मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल के जो तीन वर्टाइसेस रहते हैं ना, ये पक्का से आप सर्कल तो बनाएंगे, तीन है तो सर्कल तो बनाएगी, इस सर्कल का अगर सेंटर ढूंढना है तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट इसका सेंटर बन जाता है। ये प्रॉपर्टी, एक काम करो आप लोग ना, चैप्टर जहां पे ये सर्कल चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट किया होगा ना, तो यहाँ पे ऊपर में लिख के रख लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी काम में पक्के से। क्या है, इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल द मिड पॉइंट जब हो जाएगा थोड़ा देर आप लोगों को, ठीक है, इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग सर्कल हाँ पासिंग थ्रू द थ्री पॉइंट जिसने ये बनाया होगा। ये डायग्राम भी बना लें, जो मैंने डायग्राम बनाया है ये ए बी सी राइट एंगल एट ए, तो बी सी मेरा अगर ये है तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी मेरा ओ है, वो मेरा क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर आप लोगों को सर्कल का सेंटर ही नहीं ढूंढना था सर, आप लोगों को डायरेक्टली अगर इक्वेशन बनानी थी सर्कल की, तो तुम्हारे को तो वैसी स्ट्रेस नहीं है, तुमको बी और सी का कोऑर्डिनेट पता है, तुमको पता है बी सी विल बी एक्टिंग लाइक अ डायमीटर, तो फट से एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो कर देना। मैं वो भी लिख रहा हूं, इफ वी नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल एज एक्स वन कॉमा वाई वन एंड x2 comma y2, it behaves as diameter, implies मुझे equation क्या बना लूंगा डायरेक्ट लिखना चाहिए, तो x minus x1 into x minus x2 plus x2 गलती से मैं लिख देता y minus y1 into y minus y2 equals to zero। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। एंड जो बच्चे लोग अभी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह देने वाले हैं ट्वेल्थ के बाद में, यानी वो आईपीएम का हो या फिर एनमार्ट हो या जो भी और तुम्हारे जो रहते हैं, ठीक है, उसमें ये चैप्टर्स इंक्लूडेड रहते हैं आप लोगों को। सीए के एग्जाम में है या नहीं है मुझे नहीं पता आप लोगों के इसमें, बट होना चाहिए जितना मुझे लग रहा है, ये चैप्टर्स सुने सुने लग रहा है, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसा फील दे रहा है, मुझे याद नहीं है, नहीं मेरे को नहीं पता बच्चा, नहीं आता होगा तो अच्छी बात है, आता होगा तो और अच्छी बात है। हाँ नहीं बेटा, सीए में मैथ्स नहीं होता, वो क्वांट्स होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हाँ चलिए हो गया, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉट श्योर यार, मैंने दिया नहीं है, नो आइडिया बेटा, जनरली स्पीकिंग मुझे आइडिया नहीं, स्पीकिंग वो वोल्टेज कहाँ का चार्ज, इसलिए अपने को इस पर नहीं बोल रहा, नहीं वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस करके देख लो तुम लोग, ये पहले फटाफट लिख लो भाई, तो ध्यान दो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, वन नहीं और दिए थे क्या बेटा क्वेश्चन आप लोगों को, 15 दिया हुआ था, 15th एनी वन, मेरे को नहीं पता वो बोलती 15 नहीं दिए थे ना, छोड़ दो नेक्स्ट में ले लेना होमवर्क भी।
अपने कौन से एग्जाम्पल तक किया था वैसे मुझे बताइए। एट ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर नाइन पे आ जाओ। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन मन में पढ़ लो आप लोग। पहले देखो, एक रेक्टेंगल अगर है, एक सर्कल पास होगा या नहीं होगा? रेक्टेंगल के चारों पॉइंट से एक सर्कल हमेशा पास होना ही है। ऐसा क्यों होना ही है हमेशा पास? तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है ही आप लोगों का, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर मेरे को रेक्टेंगल अगर पता है, रेक्टेंगल का ये कोऑर्डिनेट पता है मुझे, तो जस्ट मैं आपको बताने वाला है क्यों, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो डायमीटर 90 डिग्री सबटेंड कर सकता है। तो अगर आपको चारों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आपको बेसिकली ए और सी का भी कोऑर्डिनेट्स पता अगर होता तो भी आपका काम चल गया होता। एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू जीरो। तो एक बार के लिए मुझे जो चारों लाइनें जो है बच्चा बंसाली मुझे डिक्टेट कर, तुमको चार लाइंस दी गई है जिससे रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या तुम ये क्या कर रहे हो दोनों? बेटा लोगों को जो देखते हैं लोगों को गलत लगता हो, तू हाथ थोड़ा देख के डाल, ध्यान डाल रहा है। एक्स इक्वल टू फोर माइनस वाई इक्वल टू माइनस। अब एक बार के लिए देखिए बच्चा लोग, ये देखो 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 प्लीज ध्यान दो, ये दोनों लाइन है वाई एक्सिस से पैरेलल वाली है मेरी, तो मान लो ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, तो मे बी एक्स इक्वल टू फोर मेरा कुछ ये वाला हो रहा होगा, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव ये वाला हो रहा होगा, y equals to 5 मेरा maybe ये वाला हो रहा होगा, and y equals to minus 1 maybe मेरा ये वाला हो रहा होगा। मैंने पहले तो ये बता दिया कि rectangle के ऊपर से पक्का से क्या पास होने वाला है, circle पास होने वाला मैंने theory में लिख दिया, ठीक है। उसके diagonals जो है वो diameter जैसे behave करने वाले हैं, वो भी लिख दिया मैंने, comma 5 ये वाला हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 4.-1 और ये हो जाएगा -5.-1। मान लो ये कुछ ए बी सी डी है, तो ए सी विल बी बिहेविंग लाइक अ डायमीटर, और तुमको डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स पता है अगर, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हो। समझा क्या हुआ है? रेक्टेंगल है उसने दिया है ऐसा कुछ ना, देख क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, the equation of find the equation of line drawn on the diagonals of the rectangle, usne drawn on the diagonals nahi bhi dikha raha to bhi humko pata tha as diameter, yahan pe charo line di gayi hai। In fact ab dekho agar usne humko nahi bhi bola hota ki ye rectangle hai to bhi hum phat se bata pate, to dekho ye isse parallel hai, ye isse parallel hai, to both pair opposite side se parallel, to parallelogram ban chuka hai। In fact ye aur ye perpendicular bhi hai, agar ek angle 90 hai to kissa khatam, फट से रेक्टेंगल बन चुका है। फिर रेक्टेंगल है तो हम लोग ये बता पाते थे इसे रेक्टेंगल के चारों पॉइंट पर एक सर्कल हमेशा पक्का से पास होने वाला है जिसके डायगोनल्स विल बी बिहेविंग लाइक अ डायमीटर, वो डायमीटर जैसा बिहेव कर रहा है अगर, तो पॉइंट चुना और सॉल्व कर लिया, ठीक है। गाइस प्लीज फट से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है और फिर अभी आएंगे ना सर, तब उन तीनों बैठते हैं बात करते हैं। कृष्णा सर ने कृष्णा लाहौटी या फिर कृष्णा मोदी, मैं सोच रहा हूँ लाहौटी सर को बुला लेते एक बार, चारों बैठते बात करते हैं यार में बार। है वो लाहौटी जी की इच्छा है, कैंसर कर दो सर को, बोल सर सर सब सब पढ़ लेगा बेटा, वो राधा उनको मेरे साथ जुगाड़ आते, वो ये पूरा का पूरा जो सेटअप करके दिया हुआ उन्हें करके दिया हुआ, जब भी कुछ भी इशू आते ये आड़े टेढ़े जुगाड़ होकर आके दे देते, तो तू उसका टेंशन मत ले। हाँ तो ही हैज बीन इनटू ये सब जॉइनिंग वगैरह का, इसका करके देना सेटअप वे बिफोर कोविड, इन्होंने ऑनलाइन, क्योंकि सीए वाले तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस भी लेते ही थे रिकॉर्डिंग वगैरह का, बट ही वॉज अमंग द फर्स्ट वंस जिन्होंने ये लाइव क्लास का कंसेप्ट नागपुर में लाया था और जो सेटअप बना के देते थे, इसलिए मेरे पास में रिकॉर्डिंग सेटअप कोविड आने के 1.5 साल पहले से था। तो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो देखेगा तो वो 3-3.5 साल पुराने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो, तो वो मेरे पास घर पे था पूरा सेटअप, उन्होंने करके दिया था
और उन्होंने से कई लोग यहाँ लगा लगा के देता, कोविड में एकदम से उनको बहुत जगह पे डिमांड आ गया, उनको ये सब जुगाड़ बहुत अच्छा आता है। राधर अभी तो हम लोग ये कैमरा जो लिए थे ये कुछ 25-30 हज़ार रुपये का होता है, उसके बाद में वो 100-150 रुपये का कैमरा लग गया, पिन कैमरा। कोविड की ये देन थी, वो मेजरली इसके लिए था, तो वो लेने लग गए हम लोग, यानी अगर घर पर रिकॉर्ड करना है तो चीज़ें बहुत इंप्रूवमेंट आया है और सस्ता होना शुरू हुआ है। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिएगा, हाँ का भी पोर्शन खत्म हो गया, 12th का भी पोर्शन खत्म हो जाएगा आज पूरा। हमारा रात 9th का भी खत्म हो गया पोर्शन, 11th और 8th ही बचा रहा। तो तेरे को कौन सा बहुत क्यूट था, तो मैं तो सर तो बनाना ही तो नहीं था मेरे भाई, तूने बनाया ही क्यों होगा, तू क्या छाप रहा है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 शुरू है, तू 10 देख के छाप रहा है बेटा, तू थोड़ी शर्म तो कर। तो छापने में भी ऐसा गंदा छापता भाई लड़का, नहीं तू छोड़ दे बेटा, तू छोड़ दे। मैं ले तो रहा हूँ बट वोल्टेज आने तो लैपटॉप से भी लेगा जब तो पड़ेगा भाई हो गया, अब देखो जो आप लोगों को प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई है ना उसके थ्रू एग्जांपल नंबर 10 जिन लोगों का हो चुका है 9th, वो एग्जांपल 10 के बारे में सोचो, मुझे सेंटर बता दो फट से। क्या बचा? नहीं सोच, मैंने तेरे को मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो बताई है, कई सारी प्रॉपर्टीज जो बताई थी उसमें से दो प्रॉपर्टीज से तुम सेंटर और सर्कल बता सकते हो, करेक्ट? एक वो कर सकते हो हम लोग, नहीं करेक्ट, दोनों आ गए आंसर्स। देखो अब एग्जांपल नंबर 10 की तरफ एक बार पढ़ो, आप लोगों को क्या दिया गया है कि आपका एक तो सर्कल 0.0 से पास हो रहा है बेटा, वो डायग्राम बाद में देखना, आपको एग्जाम में बना हुआ नहीं आने वाला डायग्राम वो, ठीक है? और x वो एक्सिस के साथ ए एंड बी इंटरसेप्ट बना रहा है, तो ऑब्वियसली x एक्सिस के साथ ए इंटरसेप्ट बना रहा है, बी y एक्सिस के साथ में बी इंटरसेप्ट बना रहा है। देखो वैसे अगर मुझे सेंटर ऑफ सर्कल ढूंढना था तो मैं ये कर सकता था, सर देखो तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेगा वो सर्कल का सेंटर बन जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होने वाली थी मेरी, x इज इक्वल टू ए बाई टू, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होने वाली थी मेरी, y इज इक्वल टू बी बाई टू। तो बेसिकली ये पॉइंट मेरा a बाई टू कॉमा बी बाई टू हो गया रहता, फिर मैं कुछ भी मे बी ये रेडियस निकाल दिया, सॉल्व कर लिया। बट मेरे हिसाब से ये फालतू की मजा का काम है, इससे और सिंपलर तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए जो मुझे इसने बताया, नहीं इसने हाँ बत्रा जी ने बताया शायद से। देखो अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे थे राइट एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो तीनों पॉइंट से, उसमें हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट आपका सेंटर जैसा बिहेव करता था, पर उससे ज्यादा क्या था, ये जो एंड पॉइंट्स है ये डायमीटर जैसे बिहेव कर रहे थे, तुमको डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिल गए, तुम्हारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1.0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.b, किस्सा खत्म। तुमको डायमीटर पता है तो एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू 0, तो उससे फट से सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा, कर लीजिए सॉल्व इसको। देखो वैसे इसको करने का एक और तरीका बता रहा हूँ मैं, कि जिसको कुछ भी प्रॉपर्टी याद नहीं है, जिसलिए बिल्कुल सर पैर नहीं पता, जिसको x
माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले ये वाला पॉइंट 0.0 यहाँ पे सेटिस्फाई करना, एच वाई एच के और आर के में एक रिलेशन मिलेगा, फिर 0.b यहाँ सेटिस्फाई करना, एच के और आर में दूसरा मिलेगा, फिर ए कॉमा जीरो इसमें सेटिस्फाई करना, फिर एच के आर में तीसरा मिलेगा। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, नहीं पक्का आएगा, बट सरदर्द बहुत लाएगा लाइफ में, वो भी सरदर्द ज्यादा इसलिए ला रहे क्योंकि ए और बी के टर्म्स में आंसर लाने वाला है। ये अगर मान लो कि 2.0 एंड 0.8 एंड 0.0 तो शायद से और जल्दी दिख जाता था, बट ये सरदर्द बहुत लाएगा। फट से वाला सॉल्व कर लो बच्चा लोग, एंड आई सपोज मीटिंग इज अबाउट टू एंड, ठीक है, तो जैसे ही एंड होगी आप लोग प्लीज रिज्वाइन करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल में अगर लाइन तो वाई इज इक्वल टू समथिंग होता है, हाँ जीरो नहीं होता है, तेरा वाई कॉन्स्टेंट रहता है, वाई इज इक्वल टू 8, दैट डज नॉट मीन एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर, तब वाई इज इक्वल टू 0 चलता जाता है, वाई कॉन्स्टेंट हो जाता है। प्लीज गाइस फट से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे, मीटिंग जैसे ही एंड होगी प्लीज सब लोग वापस से रिजॉइन करेंगे। निवेदिता तुझे रिजॉइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फाइल को कन्वर्ट करते रहेगा, तो आई बी वेटिंग फॉर यू टू रिजॉइन। जैसे तेरा मीटिंग वो खत्म होगा फाइल कन्वर्ट करना तो मीटिंग का ज्वाइन करना। यस सर। मीटिंग एंड ही कर रहा हूं मैं, आप लोग फट से रिजॉइनिंग पे आ जाओ।